सुपर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण के 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में तीन चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में एक एक सीट की जाति समीकरण पर मंथन किया गया। बुधवार को फिर से इस पर कसरत चलेगी। नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को प्रदेश और केंद्र नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोरोना पॉजिटिव पाए गए जेपी नड्डा कुछ देर के लिए बैठक में वर्चुअल जुड़े, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित अन्य दिग्गज शामिल हुए। इस बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर फैसला होना था, जिसके लिए प्रदेश चुनाव समिति ने सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें पहले चरण की 58 सीटों के दावेदारों की सूची रखी गई, जबकि दिल्ली में हुई बैठक में इस चर्चा में तीन चरणों को शामिल कर लिया गया। बताया गया है कि 170 सीटों के प्रमुख दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मिले फीडबैक सहित कई माध्यमों से तैयार की गई रिपोर्ट के साथ ही एक एक सीट के क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पर विचार किया। ये बैठक लगभग 10 घंटे चली। अब बुधवार को फिर से इन पार्टी दिग्गजों की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि पहले चरण की घोषणा मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद ही होने की संभावना है। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों के लिए दमदार प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में मंथन किया। 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के चयन पर विचार विमर्श किया गया। कोरोना से संक्रमित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा की लिस्ट जल्दी जारी होगी। वहीं कई विधायकों को टिकट न मिलने के भी संकेत है।